मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में एडमिशन का ग्राफ बढ़ा है, जबकि निजी स्कूलों से लोग दूर हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना काल का आफ्टर इफेक्ट अब स्कूलों में एडमिशन के ट्रेंड से पता चल रहा है। दरअसल महामारी के दौर में निजी स्कूलों में एडमिशन का ग्राफ तेजी से गिरा। आंकड़ों पर गौर करें तो भोपाल में 2020 में 1,90,000 एडमिशन हुए थे, तो 2021 में 1,84,000 एडमिशन हुए। इंदौर में 2020 में 2,33,000, तो 2021 में 2,29,000। ग्वालियर में 2020 में 1,46,000, तो 2021 में 1,34,000। वहीं जबलपुर में 2020 में 1,39,000, तो 2021 में एडमिशन का ग्राफ नीचे गिरकर 1,33,000 पर आ गया। जिलेवार अगर निजी स्कूलों में एडमिशन के ट्रेंड को देखें तो 2021 में शिवपुरी में 88% एडमिशन, बालाघाट में 87%, भिंड में 87%, दतिया में 87%, छतरपुर में 86% और मुरैना में निजी स्कूलों में 85% एडमिशन ही हुए हैं। वहीं निजी स्कूलों के मुकाबले लोगों का रुझान इस बार सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ा है, मतलब मौजूदा सत्र में सरकारी स्कूलों में एडमिशन का ग्राफ प्राइवेट के मुकाबले ज्यादा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में 2020 में 78,000 एडमिशन हुए थे, तो 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 81,000 पर आ गया। इंदौर में 2020 में 99,000, तो 2021 में करीब 1,00,000। ग्वालियर में 2020 में 98,000, तो 2021 में 1,00,000। तो वहीं जबलपुर में 2020 में 1,38,000, तो 2021 में 1,40,000 एडमिशन हुए। तो आंकड़ों से साफ है कि महामारी में सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला ज्यादा हुआ है। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में अगर एडमिशन के ट्रेंड को देखें तो सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं के बीच जहां 65,00,000 दाखिले हुए, तो 9वीं से 12वीं कक्षा में 25,00,000 एडमिशन हुए। वहीं निजी स्कूलों में इस बार पहली से आठवीं में 35,00,000 एडमिशन, तो 9वीं से 12वीं में 11,00,000 एडमिशन हुए। बहरहाल आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन सरकारी स्कूलों में एडमिशन के ट्रेंड के बढ़ने की असल वजह महामारी में आई मंदी है, क्योंकि महामारी ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए, तो किसी की सैलरी में कैंची चल गई। लिहाजा कई अभिभावकों को अपने बच्चों को निजी से सरकारी स्कूलों में दाखिल कराना पड़ा। टीम न्यूज़ स्टेट।